हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीएस ऑनलाइन क्लास क्लास सेवन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड कंटिन्यू हम डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड 2.5 मल्टीप्लाई 0.3 सेकंड 0.1 मल्टीप्लाई 51.7। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। अब देखिए डेसिमल का मल्टीप्लाई करना इजी होता है। सबसे पहले आपको डेसिमल हटाना है। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट, अपॉन में 10 लगेगी। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट, अपॉन में क्या लगा दो? 10। अब सीधा सीधा आप ऊपर वाली मतलब न्यूमरेटर पार्ट्स न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर पार्ट्स डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 एंड 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब वापस देखिए डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए और फ्रैक्शन को आपको डेसिमल में अगेन चेंज करना आना चाहिए। ये इजी पार्ट है इसका। अकाउंट में कितने जीरो है? 2 जीरोस। तो लास्ट डिजिट से 2 डिजिट बाद आपको क्या लगाना है? डेसिमल लगाना है। 1 2। तो 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दो 7512। तो यहाँ पर डेसिमल लग गया। और डेसिमल के से पहले आप जीरो राइट कर सकते हो, डेसिमल के बाद और डेसिमल के पहले आप जीरो राइट कर सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी देखो मल्टीप्लाई करना, दैट इज आंसर। अब ऐसे सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हो। 0.1 मल्टीप्लाई 51.7। सबसे पहले डेसिमल आपको हटाना, डेसिमल हटाए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो अकाउंट में 10। डेसिमल हटाए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है इसमें भी अकाउंट में 10। अब 1 × 517 10 × 10 100। अकाउंट में कितने जीरो? 2 जीरो। बैक साइड से 2 डिजिट बाद आपको डेसिमल लगाना 1 2। तो ये हमारे पास आएगा 5.17, दैट इज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.7 है। इससे पहले 2.6 में हमने मल्टीप्लाई देखा था डेसिमल्स की। अब एक्सरसाइज 2.7 में डिवाइड वाले क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट 0.4 डिवाइड 2 एंड सेकेंड 0.35 डिवाइड 5। तो डिवाइड का सॉल्यूशन जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे, फर्स्ट पार्ट 0.4 डिवाइड 2। डिवाइड को सोल्व करना इजी होता है। डिवाइड को हटाइए या मल्टीप्लाई लगाइए, 0.4 आपने क्या लगाया? मल्टीप्लाई। सेकेंड वाली जो डिजिट है डिवाइड के बाद वाले डिजिट को रेसिप्रोकल करके राइट करना है। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो आप क्या लगा सकते हो? 1 लगा सकते हो। 2 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन 2। एक बार फिर ध्यान रखना, डिवाइड को सिंप्लीफाई करना इजी है, डिवाइड को हटाना है, मल्टीप्लाई लगाना है, डिवाइड के बाद वाले डिजिट को आपको रेसिप्रोकल करके राइट कर देना है। 2 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करके 1 अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए डेसिमल हटाना है आपको, अपॉन में क्या लगेगा? 10, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। आप सिंपल देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 2 4। मल्टीप्लाई में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट को कैंसिल करके लिख सकते हो 2 1 2 और अकाउंट में क्या है? 10। अकाउंट में सिंगल डिजिट है वह सिंगल जीरो है, तो 1 डिजिट बाद क्या लगा देंगे हम? पॉइंट। इट मीन्स पॉइंट यहाँ पर लग गया और इससे पहले आप जीरो राइट कर सकते हो, क्योंकि डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन भी आप ऐसे राइट कर सकते हो, सिंपल है, 0.35 डिवाइड 5। इसके अकाउंट में कुछ नहीं तो आप क्या लगा सकते हो? 5। रूल हमारे पास डिवाइड को सॉल्व करना इजी है। डिवाइड को हटाने क्या लगाना है? मल्टीप्लाई। डिवाइड के बाद वाले डिजिट को रेसिप्रोकल करके राइट कर दिया 5 अपॉन 1 का 1 अपॉन 5। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा करके। अब देखिए डेसिमल को हटाना है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट, तो आपको 100 लगाना है अकाउंट। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दे, 5 1 5 हो रहा है, 5 7 35, सेम डिजिट से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास 7 अपॉन 100। अब अकाउंट में कितनी जीरो? 2 जीरो। इट मीन्स 2 डिजिट बाद बैक साइड से हमें पॉइंट लगाना है 7 1 डिजिट और 2 डिजिट इसमें है नहीं, तो अपनी तरफ से क्या लगा सकते हैं हम? 0 और फिर यहाँ पर लग गया पॉइंट। तो ये आ गया देखिए 1 2, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये आ गया 0.07 आंसर। ऐसे ही आप एक्सरसाइज 2.7 के बाकी क्वेश्चन कर सकते हो। उसमें डिवीजन वाले क्वेश्चन है, डिवाइड वाले को ऐसे ही आप सॉल्व करें,
कोई गलती आपके पास नहीं हो सकती। डिवाइड को हटाना है, मल्टीप्लाई लगाना है, और डिवाइड वाली बाद वाली डिजिट को ऑलवेज रेसिप्रोकल करके राइट करना है।